चेहरे पर मासूमियत, आंखों में सपने और अदाओं में नजाकत, बेपरवाह खूबसूरती की मिसाल लीना चंदावरकर ने पर्दे पर अपने हर रंग से लोगों का दिल जीत लिया था। अपनी अदाओं से सबको अपना दीवाना बनाने वाली इस अभिनेत्री के आज के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, तो बनिए रहिएगा वीडियो के अंत तक। 29 अगस्त 1950 को जन्मी 70 के दशक की मशहूर अभिनेत्री लीना इस साल अपना 71वां जन्मदिन मना रही हैं। फिल्मों में आने से पहले लीना विज्ञापनों में काम करती थी और वहीं उन्हें एक्टर सुनील दत्त ने देखा, जिसके बाद उन्होंने उनको फिल्म मन का मीत में साइन कर लिया, वो भी अपने अपोजिट। सुनील दत्त से मिले मौके के बाद लीना के सुनहरे सफर की शुरुआत हो गई। फिल्मों में उन्हें सफलता मिलने लगी और वो नई ऊंचाइयां छूने लगी थी। लीना बहुत ही रूढ़िवादी सोच की थी, यही वजह रही कि उन्होंने फिल्मों में कभी ना तो बिकनी पहनी और ना ही कभी कोई फोटो शूट करवाया। उनकी तो आंखों में ही वो जादू था कि हर कोई उनका दीवाना हो जाता था। हालांकि लीना की निजी जिंदगी में काफी उथल पुथल मची रही। लीना ने एक से बढ़कर एक हिट फिल्मों में काम किया और उनकी खूबसूरती के भी सभी दीवाने थे, लेकिन उनकी शादीशुदा जिंदगी कभी पटरी पर नहीं चल पाई। लीना महज 24-25 साल की थी जब उन्होंने सिद्धार्थ बंडोकर से शादी कर ली। सिद्धार्थ बंडोकर के एक बड़े राजनीतिक परिवार से ताल्लुक थे। हालांकि शादी के कुछ समय बाद ही एक दुर्घटना में सिद्धार्थ का निधन हो गया और 25 की उम्र में ही लीना विधवा हो गई। बताते हैं कि कम उम्र में विधवा हो जाने के कारण उस वक्त लीना को लोग ताने मारा करते थे। कुछ लोग उनके लिए खराब शब्दों का इस्तेमाल भी करने लगे थे, जिसके बाद उन्होंने आत्महत्या का मन भी बना लिया था। हालांकि लीना की जिंदगी में किशोर कुमार आए और उनकी जिंदगी बदल गई। वो किशोर कुमार की चौथी पत्नी बनी थी। लीना के जीवन में आए हरफम मौला किशोर कुमार, जिनसे एक बार फिर उन्होंने प्यार करना सीखा। दोनों के बीच दोस्ती हुई और फिर प्यार। इसके बाद दोनों ने तय कर लिया कि वो शादी करेंगे। मराठी परिवार में जन्मी लीना के पिता आर्मी के अफसर थे। जब उन्हें लीना और किशोर की शादी की इच्छा के बारे में पता चला तो उन्होंने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया। बताते हैं कि फिल्मी किशोर कुमार लीना के पिता को मनाने के लिए धारवाड़ स्थित उनके घर पर गए और घर के बाहर ही धरने पर बैठ गए थे। इतना ही नहीं, साथ में वो गाना भी गाने लगे, नफरत करने वालों के सीने में प्यार भर दो। ये गाना किशोर कुमार गाते रहे। वैसे तो आर्मी ऑफिसर होने के नाते लीना के पिता थोड़े ज्यादा सख्त थे, लेकिन किशोर कुमार की कोशिश और गानों से उनका दिल पिघल गया और उन्होंने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। इसके बाद साल 1980 में किशोर कुमार और लीना की शादी हो गई और इसके बाद उन्होंने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम सुमित कुमार है। शादी के कुछ सालों बाद किशोर कुमार भी चल बसे। अब लीना अपने बेटे के साथ ग्लैमर इंडस्ट्री से दूर रहती हैं। आज लीना 72 साल की हो चुकी हैं और पहले के मुताबिक काफी ज्यादा बूढ़ी भी नजर आती हैं, जिसका अंदाजा आप उनकी इन तस्वीरों से भी लगा सकते हैं। आज ये कितनी बदल चुकी हैं और कितनी बूढ़ी हो चुकी हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए तो बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। और हाँ, अगर आपको अपने किसी फेवरेट कलाकार के बारे में जानकारी चाहिए तो उसका नाम हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन करके जरूर बताएं।